हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं और यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अंत तक देखें और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामों में आपसे पूछा जरूर जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करिए, क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73। इतना करने के बाद क्या करिएगा, यहाँ देखिए 5 के पावर 71 है, यहाँ 5 के पावर 72 है, यहाँ 5 के पावर 73 है। तो 5 के पावर 71 को कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन लेने के बाद जब ये 5 के पावर 71 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर केवल एक बचेगा, यहाँ पर एक लिख दीजिएगा। उसके बाद प्लस कर दीजिए, इसमें से 5 के पावर 71 कॉमन बहार हो गया, इसमें से 5 के पावर 1 बचेगा। उसके बाद प्लस कर दीजिए, यहाँ 5 के पावर 73 में से 5 के पावर 71 निकल गया है तो 5 के पावर 2 बचेगा, फिर ब्रैकेट कर दीजिए। उसके बाद अगला स्टेप करिएगा, 5 के पावर 71 के 71 रहने दीजिए, फिर ब्रैकेट करिए। 1 प्लस 5 के पावर 1 का होता है 5 और प्लस 5 के पावर 2 का मतलब होता है 25, फिर ब्रैकेट कर दीजिए। तो अगला स्टेप करिएगा, 5 के पावर 71 ब्रैकेट रखिए, 5 एक 6 और 6 5 31 31 कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इससे कोई मतलब मत रखिएगा, सीधे यहाँ पे रखिएगा 31 है और यहाँ देखिए ऑप्शन में 150 है, 160 है, 155 है और 30 है। तो हमको यहाँ पे ऐसा कोई अंक बनाना पड़ेगा जो ये चारों से कट जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, 5 के पावर 71 है, 5 के पावर 71 में से आप अगर 5 के पावर 70 और गुणे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 70 और फिर 5 जोड़िएगा तो 5 के पावर 71 हो ही जाएगा। फिर उसके बाद 31 के 31 रख दीजिए। उसके बाद 5 के पावर 70 हो गया और गुने इस दोनों को गुना कर दीजिए तो 5 के 5 हो जाएगा और 5 दिया 15 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, इससे कोई मतलब मत रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा 155 आया और ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे 150 है, 160 है, 155 है और 30 है। तो इसका मतलब 155 से ये सारा अंक कट जाएगा, तो इसका आंसर होगा 155। यहीं पर ध्यान रखिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 के पावर 51 प्लस 7 के पावर 52 प्लस 7 के पावर 53 को पूरी पूरी तरह विभाजित कर सकती है। इसको भी हम लोग आंसर से ही लेकर बनाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह से जैसा क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। 7 के पावर 51 प्लस 7 के पावर 52 प्लस 7 के पावर 53। इतना करने के बाद कॉमन निकालिए, क्या करिएगा, कॉमन निकालिए। तो 7 के पावर 51 को कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालने के बाद ये तो 7 के पावर 51 तो कॉमन निकल गया, तो बचेगा 1 प्लस इसमें से 7 के पावर 51 कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा 7 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 53 में से 7 के पावर 51 कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा 7 के पावर 2। फिर इसको हल करिए, 7 के पावर 51 1 यहाँ जुड़ी, ये तो 1 कॉमन रहेगा प्लस 7 प्लस ये 49। फिर इसको ऐड कर लीजिए, 7 के पावर 51 और फिर कोष लगा लीजिए, जुड़िए तो इसको 7 + 8 = 49 हो जाएगा 57। यहाँ देखिए तो ऑप्शन में है क्या 57, यहाँ देखिए 57 यहाँ पे है। इससे कोई मतलब मत रखिएगा, यहाँ पे अगर आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो इसमें से तोड़ के उस तरह से बना लीजिएगा, अगर आ जाएगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 57 जो है इस सारे अंकों को विभाजित कर सकती है, यही आंसर हो जाएगा।